कोरोना के संकट काल को लेकर आखिर सियासत क्या सोचती है, सरकार के सामने आखिर कौन से रास्ते हैं, समाज इसका कैसे सामना करे, इसके दुर्गामी परिणाम क्या हो सकते हैं, कोरोना से देश और दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है, इन तमाम सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे जी। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सर, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी बने हुए हैं लाइव, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद जी, क्या कहेंगे, विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाहिर है कि कई सवाल जो हैं इस वक्त जनता भी दर्शक भी जानना चाहते हो। बिल्कुल दीपक, और विनय जी के साथ चर्चा का अलग सुख है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक पढ़ाकू राजनेता तो हैं, अगर मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ, और अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है स्कॉलर पॉलिटिशियन, जो मैं उनके लिए जब भी प्रयुक्त करता हूं तो वो विनम्रता से मुस्कुरा देते हैं कि आपकी सदा सहायता है, आपको धन्यवाद। लेकिन वो एक बीजेपी के लिए उन नेताओं में से हैं जो चिंतनशीलता और चिंतन दृष्टि के साथ अतीत में भी नज़र डालते हैं, वर्तमान को भी परखते हैं और भविष्य को भी तौलते हैं। तो ऐसे राजनेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूँ विनय जी आपका। कोरोना की ही बात आज हम आपसे मेजरली इस बातचीत में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द प्रयोग किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज, न्यू नॉर्मल, और इस शब्द के बारे में मैं जब खंगाल रहा था इसको, तो 2008 के रिसेशन और मंदी के दौर के बाद ये शब्द दुनिया में प्रचलन में आया, और मोटे तौर पर हम मानते हैं न्यू नॉर्मल के लिए कि जो पहले बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं एक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं बाद में, जब हम उस संकट से गुजरते रहते हैं या गुजर के पार पा जाते हैं। तो क्या अब हम ये माने कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें सुरक्षा सुरक्षा और सुरक्षा, यही मंत्र ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन की अपनी एक सीमा है। शायद 17 मई के बाद हम लॉकडाउन को या तो बहुत ही शिथिल कर दें या फिर समाप्त करने का भी कुछ शर्तों के साथ फैसला शायद हो जाए, किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हमारे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कहा है जी, न्यू नॉर्मल की जो बात कही है जी, उसका संबंध सतर्कता से है। सुरक्षा अपनी, अपने आसपास में रहने वाले लोगों की, अपने परिवारजनों की और पूरे समाज की और देश की, ये सारी सुरक्षा का जो दायित्व है, मैं मानता हूं कि जब इस तरीके के संकट का हम सामना करते हैं जी, चाहे अकाल की स्थिति हो, चाहे बाढ़ जैसी त्रासदी हो, चाहे किसी युद्ध में पूरे देश को लगना पड़ा है ऐसी स्थिति हो, तो केवल सरकार पर पूरा दायित्व छोड़कर एक दृष्टि से उसको आउटसोर्स करते हुए हम एक नागरिक के नाते हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। तो पूरे समाज के लिए इसकी गंभीरता को समझना होगा और सुरक्षा की चिंता हमारे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए होनी चाहिए, आने वाले कुछ महीनों के लिए तो निश्चित रूप में होनी चाहिए, ये उनके कहने का तात्पर्य है, ऐसा स्वयं मैं मानता हूँ। जहां तक कुल मिलाकर कोरोना का परिदृश्य है, मुझे लगता है कि सरकार ने 3 पद्धति से एक दृष्टि से इस पूरी त्रासदी को झेलने के लिए जो अपनी तत्परता है, सन्नद्धता है, उसका दर्शन कराया है जी। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे त्रासदी के समय या तो हम भयकंपित हो जाते हैं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि एक पैरानोइया के शिकार हो जाते हैं कि ये पूरा अभी पता नहीं क्या होगा और सब हड़बड़ा गड़बड़ा जाते हैं और लगता है कि सब बंद करो, सब ये करो, सब वो करो, तो एक तो वो स्थिति होती है एक छोर पर, और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि हम चीजों को इतना हल्के से लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें जो एक संतुलन साधने की जरूरत होती है, द ट्रूथ इज ऑलवेज इन द मिडल, तो वो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। जिस समय ये पूरा मतलब लॉकडाउन की चर्चा शुरू हुई, फिर उसकी एक ट्रायल ली गई एक दिन के लिए, फिर प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वास में लेकर उसके 2 आवर्तन हो गए, अभी तीसरे आवर्तन के लिए हम तैयार हो चुके हैं, और मैं मानता हूं कि जनता का ये मूड बना है कि हम इस समय देश नेतृत्व के हाथों सुरक्षित है, तो इसलिए निर्णायकता का परिचय दिया है। उपचार की दृष्टि से जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में तत्परता दिखाई है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरी संकट की घड़ी में जनता को सहभागी किया।
बिल्कुल विदाउट पीपल्स जी पार्टिसिपेशन जी दिस कैन नॉट बी अ सक्सेस। बिल्कुल विनय जी, हम इससे बिल्कुल सहमत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला था भारत जैसे देश के लिए लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद कुछ जो शुरुआती कुछ जिसको मैं कहूँगा कि झटके थे, जो जैसे भूकंप के हल्के झटके होते हैं, ऐसे कुछ झटके भी हमें मिले। लेकिन यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय बहुत धैर्यवान होते हुए प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में पूरी केंद्रीय जो सरकार है, जो केंद्रीय उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सबने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की। और उतना ही श्रेय हम ज़रूर देना चाहेंगे देश की जनता को, जिन्होंने कदम दर कदम प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ चलने का एक भरोसा भी दिखाया और ये भी कहा कि यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर राइट, ये बिल्कुल सही वक्त है, आप जो बातें कह रहे हैं हम जितना हमसे हो सकेगा हम उसका प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमने दूसरे लॉकडाउन के बाद ये दर्शाया है कि अब चीज़ों को खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल के लिए लॉकडाउन हम जा नहीं सकते हैं और ये कोई उपचार भी नहीं है, इसलिए सुरक्षा ही वो मंत्र है, जैसा आपने भी कहा कि सुरक्षा और ध्यान रखना यही वो तरीका है। आगे का जीवन आप कैसे देखते हैं? बहुत कुछ दुनिया में अब बदलेगा, बदल रहा है, तो इस बदलती हुई दुनिया में क्या क्या बदलेगा? जैसा मैं कहता हूं कि मोनेटाइजेशन के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया डीमोनेटाइज करने का, जो नोटबंदी का फैसला था, ई ट्रांजैक्शन बढ़ा, आज हम आपसे आपके प्लेस से दिल्ली में मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम मुझे लगता है बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, और भी बहुत से परिवर्तन हैं सकारात्मक रूप से। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए मेडिकल और हेल्थ पर हमारा बजट भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी, कि किस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं? देखिए हमारे कई मित्र जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं जी, वो मुझे बताते हैं, संपर्क तो रहता है, फोन पर बात होती है जी, और एक ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे एक मित्र ने कहा कि अब हमारे गांव में स्वयं लोगों ने इनिशिएटिव लेकर स्वच्छता के बारे में कड़ाई से अमल करना तय किया है। वो गांव ऐसा है कि जहाँ पर पान खाना, तंबाकू खाना एक आम बात थी, अभी उस गांव में खा तो सकते हैं आप, मगर थूकने के ऊपर पूरी मनाही है। तो पूरे गांव में प्रतिबंध लगा दिया कि कोई थूकेगा नहीं, और उसके लिए युवाओं को भी तैयार किया, महिलाएं भी तैयार हो गई। तो मैं मानता हूं कि ये इसके सकारात्मक पहलू है कि अगर हमारी आदतें बदलेगी, गलत आदतों से हम छुटकारा पाएंगे तो अच्छा ही है। दूसरी बात जहां तक हाथ धोने की है, तो वो भी एक बहुत अच्छी आदत हमारे देश में पूरे समाज के द्वारा स्वीकृत होगी, मुझे कोई संदेह नहीं उसमें। अभी सवाल यह है कि कुल मिलाकर इस तरीके की अच्छी आदतें जिसको हमने आत्मसात करना चाहिए सदा के लिए, मगर फिर भी मुझे मेरा अपना मानना है कि इस तरीके की त्रासदी जब होती है, तब जैसे आपको भी याद होगा कि जब 71 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था जी, तो ब्लैकआउट हुआ करता था, ब्लैकआउट होता, और ब्लैकआउट के जमाने में हम तो उस समय स्कूल में जाते थे, तो हम अपने घरों के और दरवाजों पर और खिड़कियों पर वो सारे ब्लैक पेपर लगाते थे ताकि घर के अंदर की लाइट जो है वो बाहर न चली जाए। तो ये ब्लैकआउट का एक प्रसंग था कि जिसमें हमने उस पद्धति से भी जीना मतलब सीख लिया। तो कुछ समय के लिए हमें ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, एक अंतर रखते हुए, फासला रखते हुए विचरण करने की बात है, या मुख आवरण लगाते हुए काम करने की बात है। अभी मैं मुख आवरण की अगर बात करूं, तो क्या स्कूलों में हम सब ये नहीं सीखते थे कि खांसी आती है तो हाथ इस तरीके से पकड़िए या रुमाल ले लीजिए? तो ये तो सदा के लिए होना चाहिए था, दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया हमसे, कोई लापरवाही रही, इसलिए फिर वो अभी त्रासदी के निमित्त अब उसकी एक नई आदत हम लगा रहे। तो मुझे लगता है कि जो सदा के लिए बदल होने चाहिए वो सकारात्मक बदल है। कुछ समय के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ भी रूबरू होना पड़ेगा, उसकी भी आदत डालनी पड़ेगी, मगर हमारे देश में समाज के लिए एक स्थिति अच्छी अन्य देशों की तुलना में ऐसी है कि यहाँ पर इंडिविजुअलिटी को भी हम मानते हैं, व्यक्तिगतता को, और सामूहिकता का भी संदर्भ रखते हैं, और इसलिए दोनों के प्रति एक सम्यक दृष्टि होने के कारण आज देश में हमारे, हो सकता है कुछ बुजुर्ग लोगों को ये मानसिक समस्या हुई होगी, मगर किसी को भी ये नहीं लग रहा कि हम आइसोलेट हो गए, अकेले पड़ गए, अलग थलग हो गए, सबसे कट गए, और ये न लगे, इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक दीप जलाए
हर किसी को एक एक हम एक आभास निर्माण करें, एक भावना निर्माण करें कि कोई अकेला नहीं है जी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो अकेलापन है कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए ही है, बाकी हमारी जो मानसिक भावनिक, जैसे मैं कहता हूं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वैसे तो अच्छा शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग, बट हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है। ये इस त्रासदी का पाठ है, सबक है, मैं मानता हूं। हमें हाथ धोने हैं मगर हमारे जिम्मेदारी से हाथ नहीं धोना है। हमें मुख को आवरण लगाना है मगर हमारा दिल और हमारा मन और हमारा मस्तिष्क खुला रखना है। हमारी लड़ाई बीमारी से है, बीमार से नहीं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही है, और यही बेसिक मैसेज है कि आपको डिस्टेंस जो रखना है वो इस तरह का डिस्टेंस नहीं रखना है जिसको आप कहें कि फिजिकल डिस्टेंस इज़ द राइट वर्ड। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ विनय जी से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ हो जाता है शाब्दिक की सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी तो बिल्कुल नहीं होनी है सर, और ना भावनात्मक दूरी होनी है। जो दूरी है वो फिजिकल दूरी होनी है, यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति से कम उससे 6 फिट का अंतर तो रखें ही रखें, और दोनों के मुंह पर मास्क हो, बढ़िया ढंग से कवर्ड हो और कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत अच्छा शब्द है ये, और यही वजह है कि कई जी जी विनय जी 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 भौतिक दूरी है शरद जी जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का सही अर्थ भौतिक दूरी है। हाँ, भौतिक दूरी, यस यस यस, भौतिक दूरी। आपने बहुत समृद्ध किया हिंदी को, धन्यवाद आपको। और आपसे बात करने के दौरान यही आनंद आता है कि चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। और मैं विनय जी के बारे में ये भी बता दूं जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं, और प्रतिदिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसे लेखक भी हैं जो अपने आसपास जो घटता है उसको शायद किसी डायरी में नोट भी करते होंगे। लेकिन उनकी कई पुस्तकें जो हैं, कुछ पुस्तकें तो मेरी निगाह से गुजरी हैं और वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ख़ासतौर से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी जो एक पुस्तक है, और मुझे लगता है कि कुछ पर काम चल ही रहा होगा जिनसे मैं कंक्लूड करूंगा जब इस बातचीत को, तो ज़रूर उनसे जानूंगा। और विनय जी, आप क्या देखते हैं परिवर्तन का ये जो क्रम चलेगा, इस परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं, और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पूरी दुनिया इस समय आर्थिक एक संकट की चपेट में भी आई है। मैं अभी किसी वेबसाइट पर देख रहा था कि करीब करीब दुनिया के 8% लोग जो हैं वो गरीबी की जद में काफ़ी सघनता से, काफ़ी इंटेंसिटी के साथ वो आ रहे हैं। आर्थिक वृद्धि दर पूरी दुनिया में तमाम देशों की, अमेरिका तक में इसको लेकर हाहाकार है। बड़ी कठिनाइयां, बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की इकॉनमी और चीन की इकॉनमी को माना जाता है कि ये संकट से निकल जाती है। आप कितने आशान्वित हैं, क्योंकि आप एक, जैसा मैंने कहा कि एक अध्येता राजनेता हैं, स्कॉलर पॉलिटिशियन हैं, और इकोनॉमिक्स पर भी आपकी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रहती है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मुझे लगता है कि पूरे विश्व समुदाय को एक आर्थिक चुनौती से गुजरना बाध्य हो गया है, और बिल्कुल पूरी ताकत से, दमखम से हम इस चुनौती का सामना करेंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है जी। कुछ समय के लिए, जैसे हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से हमारा जो वित्तीय घाटा है उसको न बढ़ने देने की बहुत चिंता हमारे राष्ट्रीय नेता हमेशा और वाकई में सही में करते भी रहे, करनी भी चाहिए जी। मगर ये समय है कि अभी वित्तीय घाटे वगैरह सारी चर्चा थोड़ी सी बाजू में जाती है, थोड़ी सी रिलेवेंट भी हो जाती है। अभी एक तो है कि इस चुनौती का हमें डटकर मुकाबला करना है, और किसी को भी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, हमारे पार्टी ने भी हमसे कई बार कहा है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी के ऊपर भी और भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए जी। तो यहाँ से हमारी दृष्टि, मैं मानता हूँ कि उसका प्रारंभ बिंदु यह है कि किसी को भी डेप्रिवेशन, अभाव का सामना करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यह हम सबका मिला जुला दायित्व है, और समाज में मैं देख रहा हूँ कि इतने प्रचुर मात्रा में लोग सामने आ रहे हैं जिनके पास कोई बहुत बड़े धनिक शायद वो नहीं होंगे, मगर वो अपने दायित्व को समझते हैं, वो लोगों को भोजन खिला रहे हैं, बाकी सहयोग कर रहे हैं। तो ये मानवता का बहुत अच्छा और एक दृष्टि से उम्मीद बढ़ाने वाला दर्शन इस समय देश में हमें दिखाई देने लगा है। इसलिए तीन बातें मैं आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि सबसे पहली बात है कि ये जो कुछ अच्छी आदतें हमें लगेगी सामाजिक दृष्टि से, जिसके तरफ हमें सकारात्मकता से देखना चाहिए। हो सकता है जो सरकार की हमेशा मंशा रही है
कि स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर हमारे बजट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, व्यय का वो भी बढ़ने की स्थिति में हम आ सकते हैं, व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद भी हम कर सकते हैं। और एक दृष्टि से ये सोशल हेल्थ का भी विषय है, ये सामाजिक स्वास्थ्य का भी विषय है, और उस दृष्टि से हमारी आदतों में एक अच्छा परिवर्तन आने के लिए और परिवर्तन को स्थायी रूप देने के लिए पूरे समाज की दृष्टि से, पूरे देश के नाते एक अवसर मैं मानता हूं कि नियति ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। हम उस सकारात्मकता से इन सारे विषयों की तरफ देखे, सोचे, ये मेरा पहला मानना है। दूसरा है कि इससे काफी, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों पर गए हैं, कुछ भावनिकता है उसमें कि संकट की इस घड़ी में अकेले रहना या घर से दूर रहना, चाहे परिवार साथ में भी हो, फिर भी अपने गांव में, अपने मुल्क में, अपने सारे और सगे संबंधियों के बीच किसी को भी एक सुरक्षा का माहौल लगता है, और इसलिए लोगों का अपने अपने घरों में जाना बिल्कुल समझने लायक है। मगर इससे कुछ अच्छी संभावनाएं भी निकल सकती, जैसे कई हमारे ऐसे मजदूर भाई जो शहरों में आकर मोल मजदूरी करते हैं, उनको अपने गांवों में भी रोजगार मिल सकता है। हो सकता है कि गांवों का भी चित्र चरित्र कुछ बदला हुआ है और उनको अभी जैसे मनरेगा में बहुत सारी और संभावनाएं उजागर हो रही है, तो वो ये भी पसंद करेंगे कि चलो भाई गांव में ही रहे। तो जो एक रिवर्स माइग्रेशन जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई संजीवनी दे सकता है, वो भी होने की संभावना मुझे इसमें दिखाई दे रही है। ऐसा होगा तो हमारे शहरों के जो बेरोजगार युवा है उनको आगे आकर ये जो रिक्तता निर्माण होगी कुछ मात्रा में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, मानव संसाधनों के बारे में, उसको पूरा करने के लिए तत्परता से आगे आना होगा। और इसलिए जो एक श्रम प्रतिष्ठा का महत्व है, मैं मानता हूं कि इसको पुनः एक बार सीखने की एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी इस घड़ी में हमें उपलब्ध कराई है। वैसे भी ये महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती का वर्ष है और गांधी जी ने श्रम प्रतिष्ठा के बारे में कितना मूल्यवान और मार्गदर्शन किया है हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल। तीसरा विषय के बारे में एक नया, और मैं मानता हूं कि रियलाइजेशन हो रहा है, एक नई बात सामने आ रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि कई लोग इन दिनों विभिन्न वेबसाइट पे जाके छोटे छोटे 10 घंटे के, 10 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, ऐसे कुछ ट्रेनिंग कोर्सेस को अपना रहे हैं, और उस कोर्सेस में जाना बड़ा अच्छा है। मतलब एक दृष्टि से वो अध्ययन होता है मगर उसका आनंद भी ले लेते हैं आप, क्योंकि वीडियो देखने होते हैं, कोई इंटरैक्टिव क्विज जैसा होता है, कुछ स्टडी नोट्स पढ़ने होते हैं और एक छोटी सी एग्जाम को भी देना होता है। अगर आप कोई प्रमाण पत्र चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको पैसा भरना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरा ज्ञान भंडार जो है वो निःशुल्क है। अभी जब हम सोचते हैं, जैसे हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंदर सोच रहे हैं कि हमारी सौम्य संपदा, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, उसके अंदर इतना प्रचुर ज्ञान भंडार है जो विश्व के बाजार के लिए हमें खोलना चाहिए, और इसलिए हम सोच रहे हैं, अभी चीजों को अंतिम रूप मिलना है, मगर एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, यूटिक्स के माध्यम से हम कुछ ऐसी व्यवस्था निर्माण करें कि हमारे व्यंजन बनाने के जो तौर तरीके है, जैसे बंगाली डेजर्ट्स है, या फिर हमारे यहाँ तरह तरह के आचार डाले जाते हैं, तरह तरह के पापड़ बनाए जाते हैं, तरह तरह के नृत्य है, तरह तरह की लोक कलाएं हैं, हमारी मधुबनी पेंटिंग है, हमारी वारली पेंटिंग है, हमारे यहाँ तरह तरह की टेक्सटाइल है, चंदेली की साड़ी है, पैठनी है, इधर बनारस की साड़ी है, कांजीवरम की, उसके डिजाइन के पैटर्न सारे अलग है। इन सारी विधाओं को अगर हम एक ज्ञान के रूप में अगर प्रस्तुत करते हैं, बिकॉज इट इज नॉलेज, वी हैव टू स्ट्रक्चर लाइक ए कोर्स, वो अगर हम करते हैं तो दुनिया भर के लोग उस पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि भारतीय व्यंजनों की मिठास क्या होती है और भारतीय डिजाइन की आकर्षकता कितनी होती है और भारतीय संगीत की मधुरता कैसी होती है और भारतीय नृत्य की मुद्राएं एक सिद्धांत को, एक तत्वज्ञान को कैसे आपकी तरफ लाती है। ये सारा विश्व को समझने में बहुत रुचि है, बशर्ते हम वो विश्व को उस पद्धति से प्रस्तुत करें, आसान बनाते हुए, जिसके कारण इसका पठन पाठन एक आनंद का विषय बन जाए, बजाय इसके कि एक बोरिंग और बोझिल बात हो जाए। बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो कहा जाता है, तो हर कैलमिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और ये अवसर के वो दरवाजे हैं जो ये नियति का ही एक अजीब रूप है, लेकिन कई अवसरों के दरवाजे गंभीर आपदाओं से निकलते हैं,
और तय मानिए कि जो विनय जी ने जो बातें कही हैं, न जाने कितने लोग हैं, सैकड़ों असंख्य लोग हैं जिन्होंने इस विपदा में भी अवसर ढूंढे हैं। और ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि भोपाल में मेरे एक मित्र हैं जो इस तरह के लगातार सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं निःशुल्क, और इसमें वो तमाम युवाओं को आमंत्रण भेजते हैं कि आप जुड़िए और इस तकनीकी विधा से परिचित होइए और मुझसे सर्टिफिकेशन ले जाइए। वेबिनार की श्रृंखला बढ़ गई है और ऐसे ही एक वेबिनार की मैं बात ज़रूर करके इस बातचीत को एक दो सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा विनय जी से। अभी इंफोसिस के कृष्णमूर्ति साहब ने एक वेबिनार में कहा कि जितने भी स्वस्थ और फिट लोग हैं उनको अब अपने काम पर लौटना चाहिए, ऐसा उनका आकलन है। मैं नहीं कहता कि इस पर, लेकिन उनका ये कहना था कि धीरे धीरे अब हमें इस चुनौती को, जो शायद जावड़ेकर साहब भी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं बनती है हमें वायरस के साथ जीना है, यानी कहीं ना कहीं एक चुनौती तो है और ये चुनौती रहेगी जब तक उपचार का कोई बहुत मुफीद पैरामीटर हमारे पास नहीं होगा। आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो घरों में रह रहकर अब ये भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या वो अपने दफ्तर की तरफ निकलें, किस तरह से निकलें, तो बहुत साफ है सुरक्षा के साथ निकलें, इस पर आपकी राय क्या है? निश्चित रूप में हर किसी ने एक आचार संहिता का पालन करना चाहिए और उसके अंदर जितनी भी सक्रियता बढ़ाना संभव है उसको निश्चित रूप में बढ़ाना चाहिए। मतलब कई तरह के और शोर हो रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कितना उपयोग है और ध्यान में आ रहा है कि उसका बहुत सारा उपयोग है। अभी आप देखेंगे जेंडर जस्टिस के लिए तो कोई ये त्रासदी आई नहीं है, मगर इस त्रासदी ने जेंडर जस्टिस के भी पाठ पढ़ाए हैं लोगों को, पुरुषों को, घरों घरों में जो पुरुष बैठे हैं उनको बर्तन मांगने में या कपड़े सुखाने के लिए डालने में अब कोई संकोच नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, कोई संकोच नहीं है जी, बिल्कुल जी। ये भी एक क्रम प्रतिष्ठा का पाठ हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, और इसके माध्यम से हम घर के औरतों के परेशानियों को भी थोड़ा शायद हम समझ पाएंगे, उनके दुख को भी हल्का करने की मुद्रा में आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए। और जहां तक कार्यालयीन काम की बात है, ऑफिस के काम की बात है, मैं मानता हूं कि जिनको जाना संभव है उन्होंने जरूर जाना चाहिए। कपड़ों को शिथिल नहीं रख सकते और रुका हुआ तो बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल। इसलिए जो अर्थोत्पादन की बात है, वेल्थ क्रिएशन की बात है, उसको निश्चित रूप में, और हर किसी चीज में थोड़ी सी रिस्क तो रहती। देखिए घर में बैठकर भी आपको बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं, बिल्कुल, बाहर बिल्कुल, जाकर भी आ सकते हैं। आपको अपने विवेक के आधार पर निर्णय करना चाहिए, मगर साथ ही साथ सारी सतर्कता को बरकरार रखते हुए, उसका पालन करते हुए, आचार संहिता को सर आंखों पर रखते हुए, मगर जितना हम सक्रिय हो पाए जरूर होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में हर किसी का एक योगदान होता है। जितनी पद्धति से हम कर पाएंगे, जैसे कर पाएंगे, अपने लिए इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमें अपना अपना निर्णय करना है, मगर उसको विवेक के आधार पर करते हुए हमने आगे बढ़ना। आपकी कोई आगामी पुस्तक जिस पर आप इन दिनों काम कर रहे हो? जी ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर यही विषय है इन दिनों, हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 70 साल पूरे हो रहे हैं जी, तो भारतीय सौम्य संपदा जिसको हम कहेंगे सॉफ्ट पावर जी, उसके भी अनन्य अंग है जी, और इन सारे अंगों को, जैसे जिसमें मैंने कहा कि हमारी भारतीय व्यंजनों की यानी पाक कला से लेकर हमारे नृत्य और हमारे कुंभ कला, हमारे जो कुम्हार है, कुम्हार भाई किस पद्धति की पॉटरी में लगे, या हमारी जो टेक्सटाइल और उसके डिजाइन के साथ जुड़े हुए विषय है, हमारी जो पारंपरिक ज्ञान पद्धतियां हैं जिसमें वीर है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, इन सबको मिला जुला ये सारा और सौम्य संपदा का विश्व है जी। तो इस विश्व के जितने सारे पहलू है, उन सारे पहलुओं पर जो जानकार व्यक्ति है उनके द्वारा अच्छे लेख लिखवाते हुए और इसका एक सम्यक आकलन सारे समाज को और दुनिया को हो, क्योंकि भारत को भी ये पता नहीं है कि वी आर ए सुपर सॉफ्ट पावर, अनफॉर्चुनेट। अगर हमारे लोग पता न हो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में क्षमता है, तो फिर हम विश्व के सम्मुख उस क्षमता का दर्शन कैसे करें? बिल्कुल, मुझे तो पहले तो हमें इस निर्माण करना पड़ेगा और विश्व को बताना पड़ेगा कि ये जो मानवता का मंत्र है उसको लेकर, और आज के त्रासदी के समय ये जो
ये वसुधैव कुटुंबकम है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये हमारा सबसे सटीक संदेश है और उसी संदेश को एक दृष्टि से अंडरस्कोर करने वाला एक संग्रह बने, इस दिशा में आजकल मैं व्यक्तिगत रूप में काम। बहुत, और मुझे ये नाम बहुत सुंदर लगा, सौम्य संपदा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित नाम है और निश्चित तौर पर इसमें भारतीयता और सनातन परंपरा का भी एक गहरा भाव समाहित है जो बहुत 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 अनुकूलन करता है सुनने के साथ साथ ही। एक राजनीतिक व्यक्तित्व से अगर कोई राजनीति का प्रश्न करके इंटरव्यू ना किया जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ ठीक से, जैसे हाथ धुला नहीं है, ठीक से साबुन और पानी का आप मिलन नहीं हुआ है ठीक से। तो ये अंतिम प्रश्न है लेकिन राजनीतिक प्रश्न है। मध्य प्रदेश में मैं ये नहीं कहूँगा सम्मिश्रण की सरकार है लेकिन एक प्रयोग धर्मिता की सरकार तो है जिसमें कांग्रेस का एक धड़ा अब बीजेपी का ही होकर बीजेपी के साथ है। बीजेपी एक बहुत चतुर सयानी और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को परख कर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि अभी तो बहुत दूर की बात है क्योंकि चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा 24 उपचुनावों को लेकर, लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं प्रभारी मध्य प्रदेश के नाते कि ये सरकार बहुत एक मध्य प्रदेश की जनता के आकांक्षाओं को पूरा करेगी और अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करेगी ताकत के साथ? वैसे जब श्री कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब मध्य प्रदेश की जनता के अंदर मन ही मन में जो एक पछतावे की भावना निर्माण हुई थी कि है ये हम क्या कर बैठे, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मगर दो चार सीटें उनकी ज्यादा आई और फिर उनकी सरकार आई, हमने दावा भी प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा। तो ये जो पछतावे की भावना थी, मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस नई सरकार का बनना एक दृष्टि से उस पछतावे की भावना पर एक अच्छा खासा मरहम लगाने जैसा है और इसके कारण बड़े सुकून की भावना है। और जहां तक सरकार की गुणवत्ता और सरकार की स्थिरता की बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी दलों में विभाजन होकर दलों का एक समूह दूसरे दल के पास आया है और सरकारें बनी है। महाराष्ट्र में श्री शरद पवार ने अपने मातृ दल का त्याग करते हुए बाकी लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए सरकारें बनाने के उदाहरण भी है, अन्य अन्य जगह भी है, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार हमने देखी थी, अन्य अन्य जगह भी देखी थी, केंद्र में भी ऐसी मिली जुली सरकारें थी। मगर ये जी 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 चलिए मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी रूप से हम उनको पूरा नहीं सुन पाए। हम कोशिश करते हैं अगर कनेक्ट फिर हम हो पाए तो। विनय जी के साथ बड़ी दिलचस्प बातें रहीं और वो बहुत आशान्वित भी नज़र आए। जी विनय जी, जी बीच में एक छोटा व्यवधान था, जी अपनी बात रखें। जी मुझे लगता है कि हाँ विनय जी मैं सुन पा रहा हूँ, जी बोलिए अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस में थे, जो भारत अभी बीजेपी में आ गए, वो पूर्ण रूप से अभी भाजपा ही बन गए हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के सदस्य हैं और इसलिए उसी के नाते इस सरकार में उनका योगदान है। तो पूर्ण रूप में एकात्म इस तरीके का एक दल यहाँ पर शासन कर रहा है, चुनौतियां तो है ही, सरकार के निर्माण से ही चुनौतियों का दौर प्रारंभ हुआ है ये हम सब जानते हैं, मगर चुनौतियों का सामना करने की पूरी क्षमता संगठन के अंदर है, जो सरकार में बैठे हमारे कार्यकर्ता है उनके अंदर है और समाज भी चाहता है कि ये सरकार सफल हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और आपसे बात करना हमेशा एक, जिसको मैं कहता हूँ कि एक बहुत साफ सुथरे विचार के साथ बहते हुए आगे बढ़ने जैसा लगता है। और भारतीय राजनीति में हम हमेशा विश करेंगे कि एक इस किस्म की प्रबुद्धता का स्पर्श हमेशा बना रहना चाहिए, बना रहा है, अभी भी है, लेकिन इसकी सघनता, इसकी इंटेंसिटी और इसकी संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि राजनीति पर ही नहीं, हम पर भी लगते हैं, पत्रकारिता पर भी, कि हमारे स्वर कर्कश होने लगे हैं और प्रतिबद्धताओं से हटने लगे हैं। तो ये चुनौती राजनीति के लिए भी है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि सारी चीज़ें बेहतर ही होंगी। लेकिन बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे ये, मैं बहुत धन्यवाद और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनके साथ
जी धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण बातें हमने देखी और समझी कि किस तरह से इसको एक्सेप्ट करना है कोरोना काल को, और कैसे ये अपने आप में एक अवसर भी है। मैं दीपक की तरफ खबरों के लिए ज़रूर रुख करना चाहूँगा। दीपक जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी। शरद जी, तो फिलहाल देखा हमने शरद जी और विनय सहस्रबुद्धे जी के बीच ये जो चर्चा हुई है, इसमें तमाम अलग अलग सवालों के जवाब खुलकर सामने निकल कर आए हैं, और एक संदेश भी विनय सहस्रबुद्धे जी ने यहाँ पर दिया है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।